ज्ञानवा पेपर दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जुटे बड़े मुस्लिम संगठन, मौलाना तौकीर रजा का बयान, सरकार जज्बात पर चलाना चाह रही है बुलडोजर। इतिहाद मिल्लत काउंसिल की मुखिया तौकीर रजा की मुस्लिम संगठनों से अपील, जेल भरो आंदोलन की तरह हर जिले में जुटे 2 लाख मुसलमान। अब वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मसले पर कानूनी जिरा, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट से ट्रांसफर किया केस। अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेगा 17 मई को जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला, अदालत ने दिए तेजी से सुनवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सर्वे को नहीं किया खारिज, हिंदू पक्ष ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी है सियासी बयानबाजी, असदुद्दीन ओवैसी बोले पूरी तरह से लागू हो वॉरशिप एक्ट। 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रोवर्सीज। सभा शफीकुर्रहमान भर का बयान, मंदिर तोड़कर नहीं बनी ज्ञानवापी मस्जिद, वहां पर शिवलिंग का सवाल ही नहीं। वहां पर मंदिर की कोई निशानी, शिवलिंग वगैरह मौजूद नहीं है, ये तो जबरदस्ती हालात बिगाड़कर हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए। लेकिन आज भी हिंदू भाइयों में ऐसी शख्सियतें मौजूद रहेंगी जो सच बात करने के लिए तैयार है। शफीकुर्रहमान भर्क ने कहा कि आरएसएस बीजेपी के लोग मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, मार रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी की पूजा का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। 1991 के बाद साल में सिर्फ एक दिन होती है श्रृंगार गौरी की पूजा। श्रृंगार गौरी का पूजन करने वाले व्यास परिवार ने दी जानकारी, अब चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन होती है श्रृंगार गौरी की पूजा। 91 से जो है ये जो बैन लगा मुलायम सिंह की सरकार से, बैरिकेटिंग लगा दी गई कि भाई नहीं, अब जो है साल भर में पूजा होगी, तो जो साल भर में एक बार हम लोग बैठने लगे भाई कोर्ट का आदेश है, नहीं इधर जाना है नहीं उधर आना है। तो हम लोगों ने बीजेपी नेता का विवादित बयान कहा, औरंगजेब की खबर तोड़कर बनाए शौचालय, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है आफताब आडवाणी। औरंगाबाद में जो इस औरंगजेब की खबर है, मैं भारतीय सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि उस खबर को तोड़कर उस पर शौचालय बनाया जाए। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी। रतनलाल के समर्थन में आ गया लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र, प्रोफेसर की गिरफ्तारी के विरोध में डीयू में किया गया प्रदर्शन। राहुल गांधी के सरकार पर वार, कहा कुचली जा रही है जनता की आवाज। राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया सांप्रदायिक, कहा ध्रुवीकरण के सहारे बीजेपी जीत रही है। बीजेपी के राहुल गांधी पर पलटवार, प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा राहुल ने भारत के लिए अपशब्द कहे, भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस की मानसिकता। गौरव भाटिया बोले कांग्रेस से मिट्टी का तेल छिड़कती है, 1984 में मिट्टी का तेल लेकर घूम रही थी कांग्रेस। जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। बीजेपी का आरोप, पार्ट टाइम राजनीति करने वाले राहुल को हुआ है नफरत का मोतियाबिंद। शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल का बयान, राहुल समेत कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता डिप्रेशन में है। रामबन में फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से 10 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, अब तक 2 शव बरामद। असम के गजा में सैलाब से आफत आई, सड़क पर बहता दिखा दरिया, तेज बहाव में बहा युवक, स्थानीय लोगों ने बचाया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश के बाद गंगावली रिवर ब्रिज पर बहा दरिया, हाईवे हुआ बंद। उत्तर कन्नड़ में बाजार में जलभराव का संकट, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड में भूस्खलन का भी संकट, धंसी सड़क, फंसी हुई कार। 6 दिनों की भारी बारिश से असम में बड़ी तबाही, खूबसूरत शहर हाफलांग में बर्बादी का मंजर, असम में सैलाब से अब तक 14 लोगों की मौत। हाफलांग के करीब महादेव टीला में भारी तबाही, घर घर डूबे और ढहे, विस्थापन को की मजबूरी है, लोगों के सामने अब खाने का संकट भी है। हाफलांग में सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, सड़कों पर दरिया जैसे हालात है।
अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद से भूस्खलन का संकट, पहाड़ियां दरक रही हैं, भूस्खलन का वीडियो आया सामने। बिहार के कटिहार में तूफान से तबाही, 200 घरों को आंधी तूफान की वजह से नुकसान, कई पेड़ और बिजली के पोल गिरे। पटना में 14 घंटे की रेड के बाद काफी सुरक्षा में, राबड़ी आवास के बाहर निकली सीबीआई की टीम। नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई टीम को घेरने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को समझाने में राबड़ी देवी और पुलिस के छूटे पसीने, काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खोया आभार, आरजेडी कार्यकर्ताओं को जड़ा थप्पड़, नाराज आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कर रहे थे नारेबाजी। घर के बाहर कार्यकर्ताओं के जमावड़े की वजह से राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को खुद सीबीआई की टीम को गेट तक छोड़ने आना पड़ा। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर सीबीआई की छापेमारी के दौरान लगा लालू का पुष्पा स्टाइल में पोस्टर, सीबीआई के आगे नहीं झुकने का लिखा गया स्लोगन। रामपुर पहुंचकर आजम खान ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा अब जुल्म खत्म, जब जुल्म खत्म होता है तो जालिम भी खत्म होता है। रामपुर पहुंचने पर आजम खान का जोरदार स्वागत, आजम ने लोगों का जताया आभार, सीतापुर जेल में 27 महीनों से थे बंद। अपनों के बीच आजम का छल का दर्द, बोले जेल में फांसी घर के पास थी बैरक, जैसे अंग्रेजों के समय होता था जुल्म वैसा ही हुआ सुलूक। आजम बोले जज साहब से कहा था अंतरात्मा की आवाज सुनकर करे फैसला, लोगों से कहा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के लगाए नारे। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट किया झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का तीसरा और आखिरी दिन आज, राजस्थान विधानसभा समेत कई और मुद्दों पर भी मंथन जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान, कहा बेरोजगारी की वजह से बढ़ता है फ्रस्ट्रेशन, जिसके बाद अपराध, रेप और पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। अशोक गहलोत के बयान पर बरसी बीजेपी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा गहलोत का बयान शर्मनाक, पहले उनके मंत्री ने कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश इसलिए बढ़ रहे थे। पूर्व पीएम राजीव गांधी के 31वें पुण्यदिन थी आज, दिल्ली में सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। देशभर में कांग्रेस दफ्तरों में और कई कार्यक्रमों में भारत रत्न राजीव गांधी को किया जा रहा है याद, 21 मई 1991 को आत्मघाती बम धमाके में हुई थी हत्या। महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बोला हमला, दुराचारी अत्याचारी सत्ता खत्म करने के लिए लक्ष्मी नरसिंह का आशीर्वाद हमारे साथ। राज ठाकरे ने टाली, 5 जून को अयोध्या यात्रा का, 22 मई को रैली होगी उसमें बताएंगे वजह। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने राज की अयोध्या यात्रा का किया था विरोध, उत्तर भारतीयों से माफी की मांग की थी। आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उत्तराखंड के चमोली में कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। एमपी के नीमच में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या का आरोप, मौत के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बुजुर्ग को मानसिक रूप से बताया जा रहा है कमजोर। वीडियो में बुजुर्ग को थप्पड़ मारते दिख रहा है आरोपी, हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश, मनासा इलाके का मामला। पुणे के जुन्नर इलाके में एक शख्स टावर पर चढ़ा, हाई वोल्टेज उसका ड्रामा देखने को मिला, पत्नी के मायके से नहीं लौटने से था परेशान। बिहार के दरभंगा में तालाब से मिला नेपाली शराब का जखीरा, लाखों के बताए जा रहे हैं 16 बोरों में बरामद इस शराब की कीमत। सिंगरौली के देवसर में एक पटवारी के घर बिजनेस की टीम का छापा, 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा का मालिक निकला पटवारी। चेन्नई में दिन दहाड़े मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अमीन जिकराई इलाके में फाइनेंसर पर धारदार हथियारों से बदमाशों का हमला। हैरानी की बात है कि लोग सड़क पर निकलते रहे लेकिन किसी ने भी इस वारदात का विरोध नहीं किया। हैदराबाद के व्यस्त रहने वाले बेगम बाजार में भी 22 साल के लड़के की हत्या, लव मैरिज से नाराज लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के थाने में भिड़े ग्राहक और होटल स्टाफ, होटल में खाना खाने आए 2 लोगों से स्टाफ ने कहा था होटल है बंद। पंजाब के फरीदकोट के कोटा का पूरा इलाके में दर्दनाक हादसा, आवारा पशु ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, पति की हालत नाजुक। ग्रेटर नोएडा बस के गौर सिटी में 22वीं मंजिल से एक युवक युवती ने कूद कर दी जान, 14 एवेन्यू का मामला।
संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों की खुदकुशी से सोसाइटी में हड़कंप, पुलिस कई एंगल से कर रही मामले की जांच। हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तराखंड के तिवड़ी में पुलिस ने 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया, कई जानवरों के खाल के साथ हथियार भी बरामद। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में एक महिला ने एक शख्स को पहले रस्सियों से बांधा, फिर जूतों से की पिटाई, एक मृतक शख्स के नाम पर चंदा वसूलने का इस पर आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की महिला ने की खुदकुशी, दहेज प्रताड़ना का आरोप, सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 31 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के झंडेवालन साइकिल बाजार में दिखा का तांडव, 27 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 2.5 घंटे की मशक्कत। झांसी के रक्सा इलाके में टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट, बीजेपी नेता और समर्थकों पर टोल मांगने पर हंगामा करने का आरोप। कानपुर में बस कंडक्टर को लात मारने वाला ट्रैफिक सिपाही, नीलाम में टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद लात मारने का वीडियो हुआ था वायरल। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मारकर मौत के घाट उतारा, शराब माफिया के खिलाफ खबर दिखाए जाने के बाद मारी गोली। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध कब्जे पर फिर से चला प्रशासन का बुलडोजर, 12 मकान ध्वस्त। लोगों का आरोप, प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए तोड़े आशियाने, तपती गर्मी में बच्चों को के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर लोग। यूपी के फिरोजाबाद में यात्रियों से भरी हुई डबल डेकर बस पुलिया के रेलिंग पर चढ़ी, हादसे में 25 लोग जख्मी, घायल यात्रियों में 3 की हालत गंभीर, बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा, बस्ती से दिल्ली जा रही थी बस। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्डों को मिली बड़ी कामयाबी, 1500 करोड़ की हेरोइन सीज की। हुगली में बेटी के जन्म पर एक परिवार ने जमकर मनाई खुशी, ढोल नगाड़ों के साथ झूमे परिजन। फतेहपुर शेखावटी में मनाया गया ख्वाजा निजामुद्दीन साहिब का 156वां उर्स, बड़ी तादाद में जुटे जायरीन। अलीगढ़ में पुलिस हिरासत में पिटाई से चोरी के आरोपी की मौत का आरोप है, एसएसपी ने आरोपी थाना प्रभारी समेत गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया। आसनसोल में खासी नजरुल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा की मांग। अरुणाचल के ईटानगर में भूस्खलन की तबाही की तस्वीरें सामने आए, 5 दिनों के बाद मलबा निकला एक महिला का शव, पति को किया गया सुपुर्द। यूपी के अमरोहा में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से मची अफरा तफरी, खाना खा रहे लोगों और स्टाफ ने भागकर बचाया जा। रेस्टोरेंट के बाहर छप्पर होने की वजह से तेजी से फैली आग, लाखों के नुकसान की आशंका, शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका। राजस्थान के झालावाड़ में खेतों में लगी आग, डोडा गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में फैली आग, गांव वालों ने की आग पर काबू पाने की कोशिशें। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में जंगलों में लगी आग, आग से वन संपदा खाक। हिमाचल के धर्मशाला में एक बस हादसे का शिकार, 25 यात्री घायल, नजदीकी अस्पताल में करवाए गए भर्ती। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय के विदाई समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन, कहा उनका रिटायर होना बड़ा नुकसान, 7 जून को है रिटायरमेंट। गोवा के कैंडोली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया हेलीकॉप्टर सेवा, सैलानी ले सकेंगे गोवा का हवाई नजारा। हिमाचल के सोलन में लहसुन की बड़ी मांग, किसानों को मिल रहे हैं अच्छे दाम, औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है यहां का लहसुन। कनाडा के धारवाड़ में भीषण सड़क हादसे, 8 की मौत। कानपुर देहात में बीजेपी नेता अमरीश तिवारी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे पिता पुत्र गिरफ्तार, दोनों पर था 25,000 का इनाम। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की मौत पर बोले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, अत्यधिक शारीरिक दबाव और तनाव की वजह से हुई कुछ श्रद्धालुओं की मौत, श्रद्धालु ना छिपाएं अपनी बीमारी। यूपी के शाहजहांपुर में अज्ञात वाहन ने दरोगा और कांस्टेबल कुमारी डगर, दरोगा की मौके पर मौत, सिपाही की हालत नाजुक। राजसमंद में कुछ रखा पुरुष लोगों ने जेसीबी से दुकान तोड़ी, काजू बादाम की बोरियां और 10,000 कैश चुराने का लगा आरोप, सीसीटीवी वीडियो वायरल पर होने पर पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। लखीमपुर जेल में बंद अपने बेटे आशीष मिश्रा से मिलने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, देर तक एक अलग कमरे में बैठकर दोनों की बात। सूरत में 7 साल की मासूम से दरिंदगी आरोपी गिरफ्तार।